देखो ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये पानी बह रहा है बर्फ के ऊपर से। नहीं ये अंदर ऊपर ही है वो। देखो भाई इसी फोटो के लिए रात के 1 बजे हम लोग की मोनास्ट्री के पास बैठे हैं। भाई देखो काजा में आए हो ना तो पानी का बोतल मत मांगना। देखो यहाँ पानी का बोतल पूरा फ्रीज हो गया। देख रहे हो किसी को मार दो भी सर फट जाएगा उसके, एकदम फ्रीज हो चुका है। और देखो ये कैंडीज है वो फ्रीज नहीं है, ये फ्रीज नहीं है, इट्स सपोज्ड टू बी फ्रीज। हां सपोज्ड टू बी फ्रीज, इट्स नॉट फ्रीज। अच्छा अभी पहुंचा ही है इसीलिए फ्रीज नहीं हुआ। भाई यहाँ ना मौसम बदलते टाइम ही लग, पूरा का पूरा बादल से कवर्ड हो गया। और उधर उधर तो दिख भी नहीं रहा है कि पहाड़ है। आई थिंक स्नोफॉल वहाँ स्टार्ट हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। आज हुआ कि मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा जल्दी निपटाते हैं ताकि कहीं बीच में फंसे नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि काजा से लोथर के बीच में कोई भी होम स्टे नहीं है, ना खाने का कुछ है ना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो भाई एक स्पॉट पर रुके, अभी जाते समय भी एक चीज़ हमें दिखी थी। देखो ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये पानी बह रहा है बर्फ़ के ऊपर से, ऐसा ही फील हो रहा है। मतलब देखने में तो ये लग रहा है पर ऐसा है नहीं। ऊपर का भी जो पानी है वो पार्शली फ्रोजन है, ऊपर का जो पानी है वो भी पार्शली फ्रोजन है। तो मैं एक रॉक फेंक के अभी आपको दिखाता हूँ। देखो नहीं ये अंदर ऊपर ही है वो। तो इट सीम्स कि भाई किसी ने पेंट किया हुआ है कि पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, पर एक्चुअली में बह नहीं रहा है, ये जमा हुआ है। चलते हैं भाई, धूप जाते ना यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड हो जाता है। जस्ट अ स्पॉट नॉट धूप। हाँ धूप इज सनलाइट। भाई को कभी हिंदी भी सिखा देते हैं, पूछते हैं तो। ओके भाई अभी रुके हैं, एक और दिक्कत। आप बोलोगे साला जब से वीडियो शुरू किया है दिक्कत ही दिक्कत बता रहा है। देखो हुआ क्या है, एक तो इतनी ठंड है ना यहाँ पे, ये जो पानी है ना ये जम गया है यहाँ का और ये साफ हो नहीं रहा, ये पूरा बर्फ बन चुका है। व्हाट कम दिस साइड एंड चेक व्हाट्स हैपनिंग, यू टॉक दैट टू। ओके भाई बोल रहे इधर भी कुछ हुआ है। ओ अरे भाई ये देखो दिख रहा है आपको, ये जम गया है जिसकी वजह से ये दरवाजा ऊपर नहीं हो रहा। हाँ आई कैन, आई कैन। ओके आई हैव सीन दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन कनाडा वीडियोस, कनाडा व्लॉग्स। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? इट वाज लाइक ओके स्नो। हाँ इधर भी जो पानी उड़ा था ना अभी जितने स्प्लैश हुए हैं सबका सब जम चुका है। चलो चलो स्टार्ट। भाई अब ना रास्ते में एक्चुअली पानी भी बहुत ज़्यादा है इधर, और अब थोड़ा संभल के चलाना होगा क्योंकि अब अगर कोई स्प्लैश होता है और ये पानी यहाँ पे चिपक जाएगा फिर हम हटा भी नहीं पाएंगे। देखो अभी कार के सामने भी जो स्प्लैश पड़े हैं ना ये भी जम गया है। देखो नीचे। चलो भाई फाइनली काजा पहुँच गए हम लोग और पेट्रोल पंप गए थे, पेट्रोल पंप में कोई मिला नहीं तो अभी सोच रहे हैं कि कल ही सुबह भरा लेंगे क्योंकि अब और कहीं जाना है नहीं हमें। चले अंकल, चलो भाई गाड़ी लग गई यहाँ पे। चलो अच्छा वी हैव टू गो टू द मार्केट। अंकल मार्केट से आते हैं, अभी आ जाएगा। मार्केट से आ रहे हैं हम लोग। भाई देखो काजा में आए हो ना तो पानी का बोतल मत मांगना। देखो यहाँ पानी का बोतल पूरा फ्रीज हो गया। देख रहे हो किसी को मार दो भी सर फट जाएगा उसके, एकदम फ्रीज हो चुका है। और देखो ये कैंडीज है वो फ्रीज नहीं है, ये फ्रीज नहीं है, इट्स सपोज्ड टू बी फ्रीज। हां सपोज्ड टू बी फ्रीज, इट्स नॉट फ्रीज। अच्छा अभी पहुंचा ही है इसीलिए फ्रीज नहीं हुआ। चलो इट विल गेट फ्रीज बाय आई थिंक 2 or 3 hours है ना। ये बचपन में लोग लेते थे, एट दैट टाइम इट ब्रांडेड एज अ पेप्सी, 1 rupee पेप्सी इन आवर होम टाउन। आई थिंक यू शुड पिक द बिग 2 liter बॉटल इफ दे हैव। चलो भाई अब थोड़ा बहुत सामान यहाँ से ले लिया, थोड़ा बहुत क्या भाई ने पानी लिया बस क्योंकि बॉटल वाटर ही पीते हैं। और अभी चलते हैं रूम पे, अंकल को हमारे पास एक सूप का पैकेट, शायद कल हमने 2 लिया था, एक पड़ा हुआ है वो अंकल को बोलते हैं बनाने के लिए। और फिलेट सी तो भी रात के बजने अब 9:30 और हम आ गए हैं अब ग्राउंड फ्लोर पर। आप दोनों का मेहनत तो रंग ला गई। क्या मेहनत? मेहनत रंग ला गया। कौन सी मेहनत?
मेहनत किया ना आप लोगों ने आज? अच्छा नहीं, अभी तो मेहनत और बाकी है, अभी रात आज लाइट है ना, आज 2-3 बजे के रात के। बस क्या बोलते हैं करी को, करी मतलब सब्जी में क्या है वो पूछ रहा था। सब्जी में भिंडी, लेडी फिंगर, फिर दाल चना, चिकन। अच्छा चिकन लेंगे ना। थैंक यू। हाँ हाँ चलो भाई, ये है भिंडी दाल और साथ में चिकन। हम लोग अभी तक सर्दी सर्दी में ही आया, गर्मी में नहीं आया कभी। गर्मियों में मैं अक्टूबर में आया था, गर्मियों में या बस गाड़ी का कूलेंट का ही देखना। मैंने गर्म पानी ले लिया और पहले उसको नॉर्मल करके उसके बाद ही जाऊंगा, तो फिर ओवर हीटिंग का इशू आएगा। चलो भाई अब इसका कूलेंट का काम किया जाए सबसे पहले। बस बस वाटर इन दैट ऑल्सो। हाँ हाँ I should keep some water as a backup, I guess. But the heat will go. तो भाई निकल चुके हैं अब की मोनास्ट्री के लिए। रास्ते में हमारे अलावा अभी इतनी रात में कोई नहीं मिलने वाला है। चलो भाई अब ऑलमोस्ट की मोनास्ट्री पहुंच गए। ये की मोनास्ट्री की फोटो आपको दिख गई है और यहाँ से सीधा जो रास्ता है वो किब्बर जाता है और ये रहा आपका की मोनास्ट्री का गेट। Let me know when you start shooting, I'll turn off my flash. तो भाई ये रहा गेट, आपको तो अभी नहीं दिख रहा होगा, तो फिलहाल आशु भाई सेट करें। आर यू गोइंग टू टेक टाइम लैप्स और नॉर्मल फोटो? ओके। तो भाई अभी ना जस्ट की मोनास्ट्री पहुँचे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 और ये रहा की मोनास्ट्री ऊपर, अभी आपको पूरा नहीं दिखेगा ये। हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा क्योंकि जो शॉट हमें लेना है, मतलब हमें क्या उन्हें लेना है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके वो लेना पड़ता है। वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, आपने प्रीवियस बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा की मोनास्ट्री के शॉट, तो उस लोकेशन तक हमें जाना पड़ेगा जो यहाँ से लगभग लगभग 1 किलोमीटर मान के चलो। अभी हमें पैदल चलना है। देखो भाई इसी फोटो के लिए रात के 1 बजे हम लोग की मोनास्ट्री के पास बैठे हैं। देखो टाइम भी इसमें आ रहा होगा, 12:33 और आशिक भाई अभी दिख नहीं रहे होंगे और मैं फ्लैश अभी ऑन नहीं करना चाह रहा, उनका फोटो अभी चल रहा है। और भाई एक चीज़ और, यहाँ पे भी कम से कम भी जो टेम्परेचर मुझे लग रहा है -20 के ऊपर ही होगा, मतलब -20 के नीचे ही होगा। बहुत हालत ख़राब है, हाथ और पाँव दोनों जम चुके हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। चलो कोई नहीं, स्टार्ट ट्रेल कभी और लेंगे, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। लांगजा जब जाएंगे भी 1-2 दिन बाद तो वहाँ लिया जाएगा स्टार्ट ट्रेल। और आपको दिखाते हैं की मोनास्ट्री भी, आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ये की मोनास्ट्री है। और अभी हमें नीचे वहाँ से फिर आगे की ओर जाना है। चलो अब गाड़ी में मिलता हूँ मैं आपसे। ओके सो अब रात के बज चुके हैं 1, हमारा शूटिंग का प्रोग्राम जब हो चुका है, आशिक भाई को हो गया एंड भाई सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हालत है हमारी अभी, -25 के आसपास टेम्परेचर है अभी। ऑलमोस्ट हाथ ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई, हिल नहीं रहा था हाथ। अभी आके हीटर चला के बैठे हैं गाड़ी में। सो आज की वीडियो का मैं यही पेंट कर रहा हूँ, वो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखो यार बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर में शूटिंग होती है, एक्सट्रीम वेदर है ये सब। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।